जनपद आगरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। दरअसल एतमादपुर इलाके के रहने वाले सुनील कुमार की बरहन रोड पर पेंट की दुकान है। देर रात दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दुकान मालिक को आग की सूचना दी जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। रात में इसमें अचानक आग लग गई, पड़ोसी गए हमारे घर पे खबर करने, तो हमने यहाँ आके देखा तो आग लगी हुई थी और बता रहे थे कि कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली है जिससे आग लगाने की आशंका भी है। अच्छा, कितना क्या क्या माल था इसमें आपके यहाँ? माल तो काफी सारा था क्योंकि अभी दिवाली का सीजन आने वाला है जी, अभी माल उतरवाया भी था। किस तरह का माल? पेंट की दुकान है, सारा ही जो भी होता है सब कुछ था। अच्छा, क्या अंदाजा है आपको कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग 10 से 15 लाख के बीच में माल लगभग था। आग की कुछ अंदाजा है कितने बजे लगी होगी आग रात में? लगभग 12 बजे करीब मेरे पास ये पड़ोसी पहुंचे, हाँ। तो इन्होंने मुझे जगाया, तो अपने साथ ही लेके आए, जब देखा तो आग भयंकर रूप ले चुकी थी।